दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो। इस वीडियो में हम दोस्तों आपको दिखाएंगे एक अहूजा कंपनी का साउंड सेटअप, और यह जो साउंड सेटअप है दोस्तों वोकल के लिए बहुत ही बेस्ट सेटअप है। जैसे कि हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ और गुरुद्वारा वगैरह हुआ, या फिर दोस्तों जो हमारे कोचिंग सेंटर होते हैं, या दोस्तों हमारे कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, हमको उसके लिए साउंड सेटअप की ज़रूरत होती है। और दोस्तों वोकल के लिए अच्छी क्वालिटी का साउंड सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों अहूजा कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका ये SEM15T स्पीकर जो है वोकल के लिए बेस्ट स्पीकर होता है। आज हम आपको इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और इसका कनेक्शन और इसका प्राइस सभी कुछ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये SSB 80M जो PA मिक्सर एम्पलीफायर है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें दोस्तों ऊपर के साइड पंच भी लगे होते हैं जिनको हमने हटा दिया था चेक करने के लिए। इसके जो स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, 80 वाट RMS, 110 वाट मैक्सिमम, 5 माइक का ये सपोर्ट करती है। इसमें आप 5 माइक लगा सकते हैं और 2 ऑक्स केबल लगा सकते हैं, और ये AC और DC यानी कि बैटरी से भी ये हमारी मशीन चल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें मिलता है इसका वारंटी कार्ड और फ्यूज, 2 पीस फ्यूज और इसका यूज़र मैनुअल। यह दोस्तों इसका वारंटी कार्ड है, आप देख रहे हैं 1940 ये कंपनी वर्क कर रही है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है अहूजा। यहाँ पर हमको एक डिब्बी मिलती है जिसमें 2 पीस फ्यूज हमको मिल जाते हैं। अगर आपकी मशीन में कभी फ्यूज ख़राब होता तो आप इससे निकाल के लगा देंगे। और यह दोस्तों इस एम्पलीफायर का वारंटी कार्ड है, इसमें हमको करीब 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और यह दोस्तों इसका यूज़र मैनुअल है जिसमें इस मशीन को यूज़ करने का और जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है सारी जानकारी हमको इस मशीन में मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो भी स्पेसिफिकेशन है आप एक एक करके पढ़ लेंगे, यह मशीन कितना पावर हमको देती है और क्या क्या ये कंट्रोल में करती है। तो दोस्तों यूज़र मैनुअल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मशीन अपनी कैसी है। पैकिंग दोस्तों इनकी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, और यह मैट ब्लैक कलर की हमको मशीन मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको जो बटन दिख रहे हैं ये वॉल्यूम, ये माइक के कंट्रोल है, 5 माइक आप इसमें लगा सकते हैं, और इन दो में आप जो है माइक या ऑक्स कंट्रोल कर सकते हैं जिनको आप इस ये स्विच हैं जो इससे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेस और ट्रेबल का हमको बटन मिल जाता है, और यह हमारा मास्टर वॉल्यूम है दोस्तों जो सारे माइक को कंट्रोल करता है, और पावर ऑन ऑफ स्विच है। पीछे के साइड से आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा दोस्तों मेन कनेक्शन जाता है, ये फ्यूज है दोस्तों, अगर फ्यूज आपका ख़राब होता है तो यहाँ से आप खोल के डाल सकते हैं। इसमें दोस्तों जो हमको प्लग मिलता है ये 6 एम्पियर का प्लग मिलता है, और केबल की क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। 6 एम्पियर के बोर्ड में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि यह एक छोटे साइज का मशीन है। यह दोस्तों हमारा AC इनपुट है, और यह दोस्तों हमारा DC इनपुट है। अगर लाइट नहीं है, आप बैटरी से डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो इस मशीन को आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे स्पीकर के कनेक्शन होंगे, अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ आगे जब कनेक्शन करूँगा। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारे जो दूसरे टाइप के स्पीकर होते हैं उसके कनेक्शन है, और ये हमारा ऑक्स का इनपुट और आउटपुट है। यहाँ से आप ऑक्स को इन भी कर सकते हैं और दूसरी मशीन कनेक्शन करने के लिए, जोड़ने के लिए आउट कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों हमें कोई भी इस्तेमाल नहीं है, हमने ये सेट जो लिया है साउंड सेटअप ये ओनली वोकल के लिए लिया है। तो मशीन दोस्तों आपने देख ली है, अब हम दोस्तों जो इसके साउंड है उनको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो साउंड है अहूजा के वोकल के लिए बहुत ही बेस्ट साउंड होते हैं। 4 पीस इसमें हमको बॉक्स में मिल जाते हैं, आप सिंगल भी लेना चाहें तो 1 या 2 पीस भी आपको मिल जाएंगे। SEM15T कॉलम स्पीकर 100 वोल्ट ये हमको मिल जाता है, और ज़्यादातर आपको दोस्तों कोचिंग वगैरह सेंटर जो होते हैं या पार्क वगैरह में सवेरे आप देखते हैं जो स्पीकर लगे होते हैं वोकल के लिए, वो यही स्पीकर होते हैं। इन स्पीकर में दोस्तों एक ख़ास बात होती है कि इसमें जो आवाज़ होती है हम जो भी बोलते हैं बहुत ही क्लियर एकदम साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों हमको 4 पीस स्पीकर चाहिए थे क्योंकि जहाँ पे ये लगना है वो हॉल काफ़ी बड़ा है, तो ये 4 पीस स्पीकर हमने लिए हैं। प्राइस दोस्तों इसका मैं आपको आगे बता दूँगा, सेटअप ये पूरा हमको मशीन कितने का पड़ा है और ये साउंड कितने का पड़ा है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो पैकिंग आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीकर की भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ हमको दोस्तों 2 स्क्रू जो होते हैं बोल्ट यह मिल जाते हैं, इसमें रबड़ भी होती है दोस्तों, और 2 पत्तियां मिल जाती हैं
जिसको हम दोस्तों दीवार में ड्रिल करके लगाएंगे और एक साइड से स्पीकर में लगाएंगे। इसको दोस्तों आप 8 या 10 नंबर फास्टनर से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीकर दोस्तों आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड ग्रे कलर का ये हमको स्पीकर मिल जाता है और देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पीछे के साइड इसके कनेक्शन पॉइंट हैं और मैं भी आपको दिखाऊंगा इसमें कनेक्शन कैसे करना है। ऊपर के साइड दोस्तों इसमें कुछ इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, यह देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा होगा जिसमें हम इसको इसका जो स्क्रू है वो लगाएंगे। नीचे आहूजा का लोगो आपको मिल जाता है और जो फ्रंट की जाली है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो जो ये पत्ती होती है दोस्तों आप किसी भी तरफ से, आप इसको सेम टू सेम होती है किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। और ये दोस्तों जो रबड़ होती है ये हमको पत्ती और स्पीकर बीच में लगाना होती है। उसके बाद दोस्तों इस बोल्ट से हमको यह जो स्क्रू है इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों स्पीकर को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके अच्छे से टाइट करते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया इस पत्ती को कैसे लगाना है, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा। और यह जो दोस्तों स्पीकर है SCM15T, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यह स्पीकर अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 2000 रुपये के आसपास मिलेगा। MRP आप देख रहे होंगे सिंगल पीस की 2095 इसमें डली हुई है और मार्च की 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये दोस्तों नया पीस है। और दोस्तों अगर आप मार्केट से लेंगे तो यह आपको 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये के बीच में मिल जाएगा, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ऑनलाइन यह थोड़ा सा महंगा है, मैंने चेक किया था। और दोस्तों यह जो मशीन है SSB 80M एम्पलीफायर, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका प्राइस दोस्तों 11,185 रुपये डला हुआ है और यह भी दोस्तों मार्च 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है। पर दोस्तों मार्केट में अगर आप इसको लेंगे तो 8,000 से 10,000 रुपये के बीच में यह आपको मिल जाएगा, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है मैंने आपको बता दिया, स्पीकर का भी और मशीन का भी। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। मशीन को दोस्तों आप चाहें तो स्टूल में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं। अगर आपको परमानेंट किसी दीवार में हैंग करना है, जैसे कि हमको परमानेंट लगाना है, तो ये इस टाइप के 1 इंची एंगल के हमने एल बनवा लिए हैं और पीछे इसमें होल हैं फास्टनर के लिए। तो इसको हम दीवार में बराबर लेवल लेके लगा देंगे जो इसके एंगल के एल हैं फास्टनर से, और ऊपर से इसमें हम इस मशीन को इस तरीके से रख देंगे। और दोस्तों स्पीकर कनेक्शन के लिए आपको इस तरह की पत्ती जो होती है क्लैंप, इसकी ज़रूरत होगी। यह आपको दोस्तों बैटरी, जो रिक्शे वाली बैटरी होती है उसके शॉप में मिल जाएगी, उधर इनका यूज़ होता है। और ये पीछे जो आप बोल्ट देख रहे होंगे मशीन में, अगर आप डायरेक्ट तार लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, पत्ती पे लगा के क्लैंप में लगा के लगाते हैं तो अच्छे से लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने मशीन को लगा दिया है, जो एंगल के हमारे जो है एल थे उनको ड्रिल करके 8 नंबर फास्टनर से लगाया है। वीडियो लंबा ना हो दोस्तों इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्किप किया था। अब यहाँ पर हम दोस्तों कनेक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्शन आप देख लेंगे। सफ़ेद वाला तार हमने कॉमन पे लगाया है और जो लाल वाला तार है वो हम 100 वोल्ट पे लगा रहे हैं। आप चाहें दोस्तों तो 70 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं, मैं 100 वोल्ट पे लगा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पीकर है दोस्तों जो हमारा, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो एडजस्ट कर लेगा पावर को। और जो दोस्तों तार मैं लगा रहा हूँ आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने कापर की जो है पीतल की ब्रास पत्ती जो होती है वो लगा रखी है। उसके बाद मैंने पेंच से कसा है डायरेक्ट तार को, मैंने इसको पेंच जो है स्क्रू उसमें लगाकर नहीं कसा है, पहले मैंने तार में पत्ती को पंच किया उसके बाद लगाया है। इससे कनेक्शन दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। ऊपर दोस्तों ये कवर मैं लगा देता हूँ, अगर आपको लगाना हो तो लगा दीजिए, नहीं लगाना हो तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, पर मैं दोस्तों इसको लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारी मशीन देखिए कुछ इस तरह से सेट हो गई है दीवार में, हमने इसको दोस्तों हैंग कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हमने पावर सप्लाई के लिए दोस्तों एक हैवेल्स रियो का 16 एम्पियर का बोर्ड लगाया है, जिसमें आप जो है 16 एम्पियर और 6 एम्पियर दोनों प्लग लगा सकते हैं। दोस्तों इसको हमने मशीन को जो सप्लाई दी है वो इन्वर्टर से दी है, जिससे कि अगर कभी ये हमारा जो है वर्क कर रहा हो, स्पीकर प्ले हो रहे हों और लाइट चली जाए तो बंद ना हो, क्योंकि ये मशीन हमारी इन्वर्टर से चल जाती है। अब दोस्तों यह जो SCM15T स्पीकर, इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, अंदर आप देखेंगे इसमें यह जो एक स्पीकर ऊपर लगा है, छोटे साइज का स्पीकर है, इसमें छोटी मैग्नेट दिख रही होगी आपको। और साइड में आप देख रहे होंगे दोस्तों, नीचे के साइड भी देख रहे होंगे, एक स्पीकर हमारा नीचे लगा है, उसमें काफ़ी बड़ी मैग्नेट मुझको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो पहले हमारा सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर के बाद दोस्तों हमारे स्पीकरों में जाता है, इससे कि हमारे दोनों स्पीकर अच्छे से सेफ रहते हैं। तो स्पीकर दोस्तों आपने अंदर से भी देख लिया इसमें कैसा कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर और कितने स्पीकर लगे हुए हैं। अब इसको हम दीवार पे लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे हमने इसको फास्टनर जो होता है बोल्ट 8 नंबर फास्टनर से हमने इसको अच्छे से फांस दिया है, हैंग कर दिया है, और इसको हम एडजस्ट करके अपने हिसाब से अच्छे से टाइट कर देंगे। स्पीकर कनेक्शन आप देख रहे होंगे, एक लाल और एक सफ़ेद तार है, जिसको अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं इसको आपको हैंग करके दिखाता हूं। यहां पर साइड में मैं आपको दिखा देता हूं, साइड में इस तरीके से पत्ती लगी है।
अंदर के साइड जो रबड़ आई थी उसको लगाना है, फिर पत्ती लगा के अच्छे से बोल्ट को लगा के टाइट कर देना है और अपने हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेंगे कितना आपको इसको मूव करना है, उसके हिसाब से आप इसको टाइट करके अच्छे से जाम कर देंगे। स्पीकर के दोस्तों कनेक्शन सिंपल है, लाल वाला तार आपको 10 वाट पे लगाना है, कॉमन में आपको कॉमन लगाना है जो कि हमारा मशीन से निकल के आया है, और इन तारों में भी दोस्तों आपको क्लैम का यूज़ करना है, डायरेक्ट तार आपको बोल्ट में नहीं लगाना है। तो कनेक्शन दोस्तों हमने कर दिए हैं। ये आपको जो केबल दिख रही है लाल और सफ़ेद रंग की, ये हमारी स्पीकर वाली केबल है, और दोस्तों ये जो साइज़ है केबल का 1 mm का कॉपर का तार हमने इसमें यूज़ किया है, जो हमारी लाइट फिटिंग में यूज़ होता है ये बेस्ट रहता है। दोस्तों ये जो हमारा हॉल है ये काफ़ी बड़ा हॉल है, करीब 50x40 का हॉल है, तो इसमें हमने दोस्तों 4 स्पीकर की ज़रूरत थी तो 4 स्पीकर लगाए हैं। फिटिंग आपने दोस्तों देख ली है किस तरीके से की है। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।